So good morning and welcome to my channel Unite for Knowledge. In last video lecture we have studied about the structure of heart, and now we are going to study about the circulation of blood in the body or double circulation. So it is an important question for exam point of view. Start karte hain, body mein blood kaise circulate hota hai, kahan se aata hai, kahan jata hai. Chaliye start karte hain. So here we have our heart. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा हार्ट दिखाया था और यहाँ मैंने डब्बा बना दिया है. सो डबल सर्कुलेशन का डायग्राम ऐसे ही बनेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास ये मैंने हार्ट के चार चैम्बर बनाए हैं. लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, सही बनाया ना. पेशेंट का हार्ट है ये, तो पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका लेफ्ट यही है और ये राइट है. ठीक है, ध्यान रखना. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होगा, बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स में, ब्लड में ऑक्सीजन यूज होगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन ले लिया है इसने, और ये ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम सबसे पहले. तो क्या हुआ, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यूज्ड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन ले लिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, वो आएगा इन द राइट एट्रियम थ्रू अ वेन विच इज नोन एज वीना कावा. ओके, हेयर कम्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. ये वॉल्व खुलेगी, ब्लड नीचे जाएगा राइट एट्रियम में. नाउ लेट अस कम टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से अब कितनी देर तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुमाना है. ठीक है, अब इसे ऑक्सीजनेट करने भेजना ही पड़ेगा. तो हेयर आर द लंग्स. लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर आते हैं, तो ऑक्सीजन है इसके पास, तो ब्लड जाएगा ऑक्सीजन लेने. तो ब्लड इज देन ट्रांसफर टू लंग्स. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी भी. ठीक है, तो जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू एन आर्टरी. आर्टरी कौन सी होगी, ये पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, रिलेटेड टू लंग्स हमेशा पल्मोनरी बोलते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया है ब्लड. ऑक्सीजन लेगा अब यहाँ से और वापस जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ली, कहाँ आया वापस, घूम के लेफ्ट एट्रियम में. सो हेयर कम्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू अ वेन, वापस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हेयर कम्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, जो भी एट्रियम में आता है वेंट्रिकल में ज़रूर जाएगा. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ऑक्सीजनेट हो गया, कितनी देर तक घुमाओगे, भेज दो टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू एन आर्टरी नेम्ड एज एओटा. ठीक है, एओटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. अब बात ये करते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला भाई. डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला क्योंकि ब्लड जो है, एक ही बार का ब्लड हार्ट में से दो बार होकर गया है. पहले यहाँ से आया, लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस आया, दोबारा आया ना, आधे हार्ट में से पहले गया, फिर आधे हार्ट में से गया. तो डबल सर्कुलेशन इस क्यों बोला डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार ब्लड जो है हार्ट से होकर के गया है. सो दिस वॉज अबाउट डबल सर्कुलेशन. इफ़ यू Like the video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.